सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ YouTube पे वीडियो बनाने अपनी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, मतलब वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और अभी देखिए मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और उसके बाद काम करूंगी। अभी बाबू को स्कूल छोड़ के आई, उसको भी रोज ले जाना ले आना, ड्यूटी लग गई है एक बच्चे की भी, उसको भी लाना पड़ता है। और हाँ, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं काफी दिन से गैप कर गई थी, वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी कि तबीयत ही नहीं ठीक होगी तो फिर वीडियो कैसे बनेगी, ये भी होता है ये। और उसके बाद आप लोग कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये आप जरूर बताना मुझे। और फिर मिलती हूँ आगे के काम करके, और तब तक के लिए बाय बाय। हाय, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, मैं ना मेरी जो सारी चेयर थी वो सब टूट गई थी, देखिए बाबू उसने ना उल्टा कर करके उसने कूद कूद के सारी चेयर को तोड़ दिया था उसने। तो हम लोगों ने सोचा कि जब चेयर ही लेना है तो इससे अच्छा सोफा ले लेते हैं। तो ये सोफा हमने लिया है, देखिए अपने बजट में ही लिया है, ज्यादा महंगा तो नहीं है मतलब, लेकिन सही है क्योंकि बार बार ट्रांसफर होता रहता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ये सोफा बहुत हल्का होता है, इसको कहीं भी कहीं ले जा सकते हैं, इस रूम से उस रूम में भी कर सकते हैं, और सीढ़ियों के ऊपर नीचे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से चढ़ जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसी को लिया। और ये देखिए बाबू हर जगह, देखिए कहीं भी कैची रख देगी, कहीं भी मार्कर, कुछ भी, कोई चीजें कहीं भी रख देती है। तो अभी घर में नहीं, अभी स्टार्ट कर लेती हूँ और बातें भी हो जाएगी। और काफी दिन से आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, मैं तो सबका देख लेती हूँ जो भी मेरे फ्रेंड है, लेकिन मेरा कोई नहीं देख पाता। सब लोग ये पूछते हैं कहाँ हो इतने दिन से, क्यों नहीं वीडियो डाल रही हो। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब बेडरूम में, और बेड को भी साफ कर लेती हूँ क्योंकि सभी लोग सो के उठे हैं। ये सब चीजें बेटा की है, मेरे बाबू की है, और वो चली गई, उसको मैंने तैयार किया था तो सारी चीजें बेड पे ही रह गई। बना के रख दूंगी, बाबू आएगी तो उसको खिलाऊंगी। गाय का दूध है ना तो बहुत सही रहता है, थोड़ा इसको ज्यादा था, यहाँ तक बिल्कुल था, तो इसको पका करके मैंने थोड़ा सा कर दिया है, और इसमें सेवई बन जाएगी, चीनी डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल करके बना दूंगी, बहुत टेस्टी लगती है।
ज्यादा नहीं करती हूँ, पापा को खिलाने के लिए बहुत कम चीनी डालती हूँ। और मुझे पापा को ये पतली वाली चाय पसंद है, ये वाली जो होती है मोटी वाली मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो बाबू यही वाली खा लेती है। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, उनको सेवई से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मैं और बाबू इतनी खा लेंगे, दोनों के लिए हो जाएगा। ये ऑलरेडी भुनी हुई है पहले से ही, इसको भुनने की जरूरत नहीं है। एक आती है व्हाइट वाली जो भुनी नहीं रहती है, उसको भुनना पड़ता है। बंद करके रख दूंगी। सर्फ और ये लिक्विड दोनों डालने का ये मतलब रहता है कि थोड़ा दोनों मिक्स हो जाएगा तो मशीन को थोड़ा खतरा नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक है, तो इस वजह से इसको डालते हैं। और इस दोनों को साथ में डालने की वजह नहीं, मैंने सबको बहुत लोगों को क्या हर लोगों को यही देखा है कि सभी लोग दोनों को साथ में मिला के ही डालते हैं। करूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं और उनको करूंगी, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, इस वजह से ज़्यादा काम भी नहीं करना है, भारी काम भी नहीं करने हैं थोड़े, तो आराम भी करूंगी। और अभी पानी गर्म हो रहा है मेरा, उसके बाद थोड़ी देर में नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर तब तक टाइम हो जाएगा बाबू को जाने का। और अभी 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है, और बात करते करते मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही आजकल। बाबू को लेके आऊंगी, फिर उसको लेके आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है। और कल 30 तारीख थी ना, 30 नवंबर, तो मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी शादी की सालगिरह थी, तो उसकी भी कुछ क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आज की वीडियो और आज ही जाएगी क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो हो सकता है दोपहर तक चली जाए ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो जाए आप लोगों को मिले। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करा करिए ताकि हमें भी कुछ सक्सेस मिले, यूट्यूब पे आए हों तो। इस वजह से ये नहीं कि बस ऐसे ही चलते रहे, लोग बाग ये कहते रहते हैं हमेशा यूट्यूब पे वीडियो डालती हो कुछ होता नहीं है, कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, खैर उसकी कोई बात नहीं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।